सियाने बोलते हैं, हम नहीं बोलते। यार सही बोल रहा है, पैसा कमाना है। उसकी ये जो पीछे वाली लाइट है, जब भी टर्न लेते हैं ना। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। हसी इस बात की आ रही है कि चाय से लड़ाई हो रही है। चाय देखो, मैंने पीछे देखी हुई है, देखो। मैडम चाय बना के लेके आई है और मैडम लड़ रही है कि पहले चाय पी लो, बाद में ब्लॉग बना लेना। लेकिन ये भी चीज जरूरी है, दोनों की बात रख ली। देखो ब्लॉग भी शुरू कर लिया, चाय भी पी ली। ब्लॉग पहले बहुत लंबा है, पहले ब्लॉग देख के आओ। मैं ब्लॉग के एंड में आपको यहीं पे मिलूंगा। सिर्फ चढ़दी कला नहीं बोला था, इसलिए यहाँ पे ब्लॉग शुरू किया है। चढ़दी कला बोलना बहुत जरूरी है। कैसे करना है? अरे घर में कौन आया? नए मेहमान आए हैं, क्या बात है। ये हमारे ड्राइवे के ऊपर से जाएंगे अभी। डिसिप्लिन देखना इनका डिसिप्लिन देखना कितना अच्छा है। वो दो तीन इनके बच्चे हैं। पुलिस फिर रही है अपने ड्राइवे के ऊपर। देखो तो अभी काम के लिए रेडी हो चुके हैं। लेट्स गो ऑन वर्क, थोड़ा काम कर लिया जाए। मैंने बोला था ना, जब जब मेरे को जो जो चीज याद आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि डिफरेंस क्या है पुराने वाले में, नए वाले में क्या क्या फर्क है। बिकॉज वो थोड़ा पुराना मॉडल था। ऐसा नहीं बोलते कि हम उसको बुरा बोलते हैं, उसकी जगह जो हमारे दिल में है, आप लोगों के दिल में है, वो हम सबको मालूम है। लेकिन नए वाले ट्रक में कुछ एक ऐसी नई चीजें होती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट लगती हैं। दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ड्राइव में डाला, गियर छोड़ा, सीधा पांचवे में उठा देगा ये। जब आपके पास में लोडर ट्रेलर है तो आप ऐसे करके इसको थोड़ा डाउन कर सकते हो। सम टाइम प्रॉब्लम होती है इतना ज्यादा वेट जब कैरी करता है ट्रेलर। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखी जब ये उठता है तो ऐसे सिर नहीं मारता, ऐसे ऐसे देखा, आराम से जाएगा, बिल्कुल स्मूथ उठता है, स्मूथ। जैसे रिवर्स गियर डाला तो जब इसको हम मूव करना स्टार्ट करते हैं ना ट्रक को, ये देखो, तो इतना स्मूथ मूव करेगा ना बैक को, ये देखो। थोड़ा सा भी ट्रक नहीं हिला, आपको मालूम नहीं पड़ा होगा ट्रक हिला भी नहीं हिला। जब हम ए बॉक्स कन्वर्टर को बैक करते हैं ना, कन्वर्टर के साथ में टच करना होता है, जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है ना, उसको थोड़ा सा ना आवाज आती है ठक करके, और थोड़ा सा झटका महसूस होता है, तो आपको अंदर बैठे मालूम पड़ जाता है, अगर आपने अपने कान जो है ना पूरे उस तरफ लगाए हुए हैं। तो ये देखो, अभी इतनी दूर आ गया ना क्योंकि इसको यहाँ पे झटका लगा और ये पीछे चला गया क्योंकि हमने हवा छोड़ी हुई थी। ये जो ब्लैक वाला वेल्व होता है ना, ये वाला ब्लैक वाले वेल्व को खोल देंगे ना तो ये मूवेबल हो जाता है। तो अभी इसको आगे करने के लिए हाथों का जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये इकट्ठे गियर शिफ्ट करता है, जैसे पहले में से चौथा, चौथे में से सातवां, सातवें में से आठवां, नौवां, दसवां। और जब ये गियर डाउन करता है, डाउन शिफ्टिंग करता है, तो तब भी 12 से सीधा गया 10 आएगा, 10 से सीधा 9, 7, सीधा 7 से 4 भी आएगा। और अगर आप ब्रेक पे पैर रखे हुए, आपने रेस नहीं की, तो ये गियर शिफ्ट नहीं करेगा, सीधा रुक जाएगा और सीधा गियर इकट्ठा शिफ्ट कर देगा। इकट्ठा डाउन शिफ्टिंग वो भी करता था, लेकिन वो उठने के टाइम में अप शिफ्टिंग जो थी ना वो ऐसे नहीं करता था। ये डिफरेंस होता है दोनों के गियर में। आज हमारे पास ए बॉक्स था, बी बॉक्स नहीं है। बी बॉक्स अभी लोड होके आ रहा है, कन्वर्टर जो ए बॉक्स के पीछे डाल लिया। अभी जो बंदा बी बॉक्स लेके आएगा उसको हम सीधा बोलेंगे, भाई साहब बी बॉक्स जो है मेरे ए बॉक्स के पीछे खड़ा कर दो, तो वहां पे अपनी बाइक बन जाएगी और वहां से निकल जाएंगे। तो ये देखो, ऐसे ड्राइवर लेके आते हैं, फिर हमको उतार देंगे यहाँ पे और हम इसको हुक कर लेंगे सीधा सीधा। छोटे रोड से बड़े रोड के ऊपर निकल के गया तो उसको मर्ज करना बोलते हैं। जब भी ये रोड के ऊपर आके मर्ज करते हैं ना, तो यहाँ पे जो अपनी मुंडी होती है, जो अपना सिर होता है और आंखें, वो बिल्कुल खुली होती है ऐसे। जितनी भी नई सड़कें बनेंगी ना, वो देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। गर्मियों में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब सर्दियां आएंगी
तो सबसे ज्यादा स्लिपरी नए बने वाले रोड के ऊपर होती है, क्योंकि वो स्मूथ होता है ना, तो स्मूथ के ऊपर स्लिपरी ऐसे बनती है, ऐसे ब्लैक आइस। और ये देखो यार, लेफ्ट साइड में कच्ची जगह में उन्होंने मिट्टी डाली हुई ना, तो यहाँ से जब लोडेड ट्रेलर निकलते ना, ये देखो बीच बीच में गड्ढे पड़ गए, टायर ऐसे जा जाके आता है ऐसे ऐसे ऐसे। 5-7 मिनट की लॉग बुक तो यहाँ पे खराब हो जाती है, लेकिन ये हिस्सा भी ड्राइव में गिना जाएगा, लॉग बुक नहीं रुकती। आपने एक बार ड्राइव में डाल लिया, चाहे आप 10 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हो, चाहे आप जा रहे हो 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर, लॉग बुक जो है वो नहीं रुकेगी। ब्रेंडर वाला इशारा हो गया, लेकिन इशारे के साथ में देखो अपने को ओवरटेक कौन कर रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन बंदा है ये, क्यों अपने को ओवरटेक कर रहा है, ये कौन बंदा है, ये कौन है, पहचानो इसको, कहां से आया, ये है कौन, ये है वो एडमिंटन वाला। आज सुबह ही पहुंचा विनिंग पैक और 2-3 घंटे में लोड उठा के वापस निकलाया, तो इसलिए विनिंग पैक में हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी भी टेलीफोन के ऊपर होल्ड में यही पड़ा हुआ है। इसके साथ भी बात हो रही है, पहले बोला सीधा सीधा लगा लेना, फोटो अच्छी आएगी। स्केल काफी बिजी है, स्केल बहुत ही बिजी है भाई साहब, लेकिन रुकना तो है, अपने को भी यहाँ पे खलो के इंस्पेक्शन डालनी है, उसको भी इंस्पेक्शन डालनी है, फ्लैट डक वाले को भी इंस्पेक्शन डालनी पड़ती है 3-4 घंटे के बाद में आई थिंक, तो हमको तो 2-3 घंटे के बाद में रुकना ही पड़ता है। तो इसके साथ में कर लेते हैं खड़ा ट्रक को ऐसे, एसी लगा सीट ते थले, आ दे ये देख, ये वाला ठंडा गर्म, नीचे करोगे एसी ऊपर हीट, महंगे ट्रक ने भी, महंगे ट्रक आए वो तेरे वाले ट्रक में स्विच बहुत ज्यादा ना यहाँ है ना, खुला खुला लग रहा है, खुला खुला है, नहीं अंदर से भी खुला है ये, देख जहाँ पे जगह है उससे तेज जाना है थोड़ी, कितने का पड़ जाता है नया? नया यार अगर तो बेस मॉडल बेसिक ट्रक लेना है तो मेरे ख्याल में 175-180 वही 2 लाख में पड़ जाता है टैक्स टूक्स डाल के, ओ या 2, अगर बिल्कुल टॉप मॉडल के ऊपर जाते तो 2 से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन ये तेरे वाला जो है ये 225 से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा लगा यार, मैं भी देखूंगा अगर चेंज करना है तुमने, इंशाल्लाह चेंज करना है तुमने कभी बना, तो अभी तू ऐसा करना, मेरे को पीटर अच्छा लगता है, तू पीटर उठा ले, मेरे को पीटर दे दे, तुम स्केडिया ले जा, ना सही है कर डील बढ़िया दे रहे आज, बहुत बढ़िया डील है, सही बात है, इसको 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 स्केडिया अच्छा लगता है, हमको पीटर अच्छा लगता है, पीटर की तो पूरी दुनिया फैन है यार, फिरता है तेल बहुत खाता, ये बात तो है, लेकिन बाद में ये बोलते हैं तेल बहुत खाता है यार, ये 2 फैक्ट होते हैं, अगर आपने पैसा कमाना है, सियाने बोलते हैं हम नहीं बोलते, पैसा कमाना है तो कस्केडिया चलाओ, शौक पूरा करना है तो पीटर वाइट चलाओ, तो अभी हम तो कंपनी में काम करते हैं ना, तो कंपनी जो बड़ी फ्लीटें होती हैं वो कोई भी पीटर वाइट नहीं चलाता, वो कस्केडिया चलाएगा, कस्केडिया चलाएगा, हमारी कंपनी के पास भी 15 कस्केडिया है ना, लेकिन अभी जितने भी नई ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रही है ना 5-10 ट्रक वाली, सबके पास में कस्केडिया, हर दूसरा या तीसरा ट्रक आपको कस्केडिया मिलेगा, कस्केडिया मिलेगा, बीसी की तरफ ये जाता है ना, तो उधर तुमको ये मिलते होंगे लॉन्ग नोज और कस्केडिया ज्यादा है ना, लॉन्ग नोज और कस्केडिया, ए लॉन्ग नोज जो है ना ये 4 एवर ट्रक है, अभी इसका ट्रक 2 मिलियन के पास में चला हुआ है, लेकिन इसकी कीमत अभी भी 60-65 के पास में होगी, 57 का लिया था अभी 2-3 साल इसने चला दिया, अभी भी किलोमीटर चल रहा है, लेकिन इतने का फिर बिक जाएगा, इसकी ये बात है कस्केडिया है, ये नया 2 लाख का मिलेगा, लेकिन जब ये 500 चला गया बेचोगे तो 30-40 हजार का रह जाएगा, कभी भी ये बेचेगा ना तो 1-2 दिन के ज्यादा एड नहीं रहेगी इसकी फेसबुक के ऊपर, राइट वे बिकेगा, क्योंकि दुनिया की आंखें रहती हैं, कोई ट्रक पीटरबिल्ट बिकने के लिए लग जाए तो बिक जाता है, सेम यही चीज है, अगर आपका ट्रक 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख चला हुआ है कस्केडिया है,
दो दिन में बिक जाएगा। अभी कितने ट्रक डाले करने हैं तुम्हारा कंपनी ने? मेरी कंपनी ने यार अभी मैंने बताया इनको पहले भी 65 लेके आए अभी नए। बहुत लेके आए फिर 65 लेके आए। बढ़िया ने पड़ने लगे। नहीं पर्दे तो हैवी है इसके। वो देखना ये इसके अंदर माइक्रोवेव टकाने के लिए जगह दे कितनी है। मेरे बारे में जगह नहीं है। मेरे पीटर बेड में भी जगह कहाँ थी? बाहर रखा हुआ था। ये देख गद्दा ले जाए, गद्दा बल्ली कर ले, बेटर ले जा भाई, तू जो मर्जी ले जा, ट्रक ले जा। मैं तो बोला भी ट्रक ले जा, ट्रक वो छोड़ के जा। वो उतना बड़ा बेड ले, मिड रूफ है ना, इसलिए बेड जो है थोड़ा पास में लगे हुए हैं। फ्रिज देख इसकी, फ्रिज देख इतनी बड़ी है। पहले वालों में फ्रिज छोड़ी थी मेरे वाले में। फ्रिज में बियर बूर रखा है कि नहीं? बियर बूर कहाँ दे आएगा? खाने को क्या लेके आया? खाने तो मैं कड़ी चौल लेके आंदे अज, एक सावे पे शेन चला सावे लगी भी कर ला, गर्म कर ला। अभी देखो फायदा हो गया ना, मिल गया खाने के लिए। सही बात है, सही बात है। जीपीएस मैप, लेकिन इसकी जो विंडशील्ड होती है ना पीटर बेल की, कितनी छोटी होती है। पेन की दुकान है भाई के पास में, ये देखो। उसके डैशबोर्ड के ऊपर स्विच कितने, वही चीज हमारे दिल को अच्छी लगती है ज्यादा। ये दो दिन सगने के लिए आएगी, अभी जाएगी थोड़ी देर में। और हाँ, ये मेरे झुंड का नंबर है। ये नीचे तार पड़ी हुई, इसको पक्की चाबी को नहीं, वो नट नट देना लगी। आ तार, हाँ। ये तार जो है ना वो चाबी के साथ में क्लिक करके पक्का लॉक लगाया हुआ, और ये तार जो नीचे अंदर फिट की हुई है चैसी के साथ में। कोई बंदा निकाल नहीं सकता चाबी, एक एक्स्ट्रा दी हुई है। ये एक्स्ट्रा चाबी है। आ जाओ भैया, सब देखाओ सारे आदमी भाई। क्यों सबके मुंह में, क्यों सबके मुंह में पानी लेके आ रहा है? नाले टाइम में तो चाय भी पिलाने हैं ना। एंजॉय कर, खा। तो ऑल ओवर कैसा लगा ट्रक तुमको फिर? हैं, बहुत बहुत बढ़िया है। नया जी, नया होता नया, है नया होता। दिल आता है ना इसके ऊपर भी, है क्योंकि अभी मोटर बड़ी है ना। उस ट्रक की मोटर 450 की थी, इसकी 500 में पावर आती है ना, तो चढ़ाइयों में मरता नहीं है। या, या। तो ये भी चौथे पांचवे में उतारता है कोका, क्योंकि इसका ट्रक मैनुअल है ना, चौथे ईयर से उतारता, क्योंकि इसकी जो जैक होती है ना, जैक इतनी कामयाब नहीं है, पुराना है ना थोड़ा, तो इंजन ब्रेक ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अपनी तो आपने देखी हुई है, मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में। अकेली बॉबटेल है तो पांचवे गियर में उठाता है ये, ठीक है। छोटा वाला गियर नहीं लेता, कार वाला ही काम, कार वाला काम है सीधा। हमारी टायर फटी हुई है, फटी हुई है पहले भी। तेरे डीजल टैंक कितने हैं? 1000 के होंगे ना? मेरे वाले डीजल टैंक देख अभी दोनों, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 567 लीटर आएगा एक साइड में, 567, और उसके दूसरी तरफ आएगा 530, और टोटल हो गया 1100। नहीं तुम्हारे 1000 लीटर के हैं दोनों। चाय उठानी अभी, तू अंदर जाके चाय उठाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। बंदे को मार्केट में मालूम होता है मोस्टली कि कौन सा ट्रक ज्यादा अच्छा है, कौन सा ट्रक कैसा है, कौन सा ट्रक कैसा है। उसने मेरे को बोला है, अगर मैं कभी जिंदगी में ट्रक चेंज करूंगा ना, तो मैं कस्केडिया पकड़ूंगा, बिकॉज ऑफ माइलेज, बिकॉज ऑफ सस्ते पार्ट्स। इसके पार्ट्स मार्केट में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, हर जगह में अवेलेबल है। अगर कोई पार्ट अच्छा लगा है, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और जो भी बंदे अपने चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो। अभी मैंने जाना है रिजाइना से वापस मिनी बैग करना है, 600 किलोमीटर जाना है, 600 किलोमीटर आने का है। डबल ट्रेलर के ऊपर ये पहला लंबा ट्रिप है बाइक का, तो आज मालूम पड़ेगा कि वो ट्रक डबल ट्रेलर के ऊपर क्या एवरेज देता था, और ये ट्रक सिंगल ट्रेलर डबल ट्रेलर के ऊपर क्या एवरेज देता है। बिकॉज आज हम इधर से भी फुल लोडेड जा रहे हैं, उधर से भी फुल लोडेड आएंगे, धीरे धीरे अभी लंबे ट्रिप भी करेंगे। किसी भाई का रास्ते में मिल जाने का फायदा। वीडियो भी बनाई है, अभी चाय भी उठाई है, फोन में फ्लैशर ऑन रखते हैं, थोड़ी देर तक जाके बंद करेंगे। हर बार हॉर्न बजा के निकलता है, हमारा भी हॉर्न है भाई, हाईवे हॉर्न है, हमारा भी है। वो जा रहा है 110 पे, मैं जाऊंगा 100 पे, तो भी आपके सामने मालूम पड़ेगा ये एडमिंटन पहुंच जाएगा, लेकिन मैं विनी पैक नहीं पहुंचूंगा। बारिश छिले बॉस, लॉट ऑफ बारिश छिले, पूरा मैं भी भीग गया। बाग बाग के पाइक बना के आया हूँ, जल्दी जल्दी पाइक बनाई है, पूरा भीग गया हूँ। इसी कपड़े से पसीना भी साफ कर लेते हैं। आज यहाँ पे रियाना में आके एक मिनट भी वेट नहीं पड़ी। ये बहुत कम दिन होते हैं, ऐसा उसी दिन ही होता है
जिस दिन आप विनीपेग से लेट आ रहे हो, जिस दिन आप विनीपेग से एडवांस आ रहे हो, पेपर कभी एडवांस रेडी नहीं होते। मैंने तो यहाँ पे ट्रक रोका है एक मिनट के लिए। जो पीछे वाला ट्रेलर है ना, उसकी ये जो पीछे वाली लाइट है, जब भी टर्न लेते हैं ना तो बार बार हिल रही है। इसको एक बार टाइट कर देते हैं, फिर से थोड़ी बहुत ढीली रह गई होगी। ये देखो ये मक्के मारती है, ये देखो मारती है ना, ये देखो अभी एक बार तो टाइट कर दी है। बुरा हाल है, पी से और कैमरा गीला हो रहा है। इलेक्ट्रिक कॉर्ड जब ढीली होती है, एक नैपकिन पेपर ले लो, उसके इलेक्ट्रिक कॉर्ड के नीचे फंसा के, आगे नहीं फंसाना उसके नीचे, ये इलेक्ट्रिक कॉर्ड है ना, इसके आगे नहीं फंसाना, ये लाइटें नहीं चलेंगी, इसके नीचे नीचे फंसा के उसको अंदर घुसाओगे टाइट हो जाएगी। जब आप ट्रेलर घुमाते हो लाइटें ब्लिंक नहीं करेंगी ऐसे ऐसे। लुक एट द फ्रंट और बारिश देखो। तो भाई लोगो, चाय तो लिए हमने उठा, ऐसे होते हैं यार दोस्त। जाने के टाइम में उसने पिला दी, अभी आने के टाइम में जरनैल सिंह ने पिला दी। अभी इधर से ट्रक आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो बंदे को भी जाने देते हैं, पहले फिर ही निकलते हैं। रात का टाइम है, मालूम नहीं ऐसा हो कोई नींद में आ रहा हो, मेरे को उठा के चला गया। यार मैं पहुंचा हूँ, लेकिन अभी टेंशन पड़ी हुई है, बारिश यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तेज है। बस ऐसे देख रहा हूँ बाहर की। अभी पाइप कैसे तोड़नी है बॉस, सिंगल ट्रेलर होता ऐसी जगह पे आके पाइप का मसला थोड़ा गंभीर हो जाता है। ये मैंने सीट के पीछे लगाई हुई थी, इसको डालते हैं, अगर इसको डाल के ड्रॉप करेंगे तो मेरे ख्याल में ये गीली हो जाएगी, अपनी टी शर्ट गीली होने से बच जाएगी। यही है वो ऊपर, ध्यान से देखिए, इसने बचाई एन मौके पे एक आदमी की जान, वो भी पानी से। बहुत बड़ा फायदा हो गया अपने को, जो बी बक्स हमने उतारा ना उसको सीधा गाहक लग गया है, उसका कस्टमर आ गया है, उसका डिलीवरी का टाइम था तो वो तो भाई लेके जा रहा है, सीधा पेपर उन्होंने उठा लिया, तो मेरे को उठाना नहीं पड़ेगा। वो देखो वाटरप्रूफ कैमरे का मजा कब आएगा, अब आएगा। जैकेट मैंने क्यों उतार दी है, जैकेट वाला काम नहीं की थी, ज्यादा बारिश नहीं है, मैं ऐसे फीलिंग ले रहा था। हमारे हुए 1200 और 1200 किलोमीटर में हमारे ट्रक ने टोटल एवरेज दी है 52.7 लीटर पर 100 किलोमीटर की। तो ट्रक ने टोटल तेल खाया अपने ने 600 लीटर, 625 630 15 घंटे में, 15.5 घंटे में ट्रिप लगाया और 100 किलोमीटर के बाद में एवरेज आई 77 किलोमीटर पर आवर की। रब चढ़दी कला करे, बाबे का नाम लेके जाना, ठीक है। मेरे पास सामान नहीं है आज, क्योंकि आज मैं वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन मनवीर सिंह गया अपना टोरंटो वाली टीम में। आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, क्या बढ़िया बढ़िया कमेंट किए भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। सब लोगों को ड्रोन का शॉट बहुत पसंद आया, लास्ट व्लॉग में लिया था, इस व्लॉग में भी ड्रोन उड़ानी थी लेकिन ड्रोन उड़ाई नहीं गई बारिश की वजह से। तो होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसने यहाँ तक देखी लाइक करके जाना, जो बंदे अपने चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, राम रखा। एक और नई चीज आ गई है इस व्लॉग के बाद में, आपको सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत सारे बंदों ने जो गेस्ट किया है ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हो, सही आ रहे हो, बहुत सही आ रहे हो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा जल्दी। सरप्राइज बड़ा रहना चाहिए, सरप्राइज। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, left, right, oh. Bonnie and Clyde, you can have whatever you like.